मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई हुबली दारवाल वालों की ऐसी आवाज होती है क्या? इस सीएए का विरोध करने वाले बहरे कानों तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सीएए के समर्थन की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, जिनके युवा हाथों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को संगठनात्मक रूप से एक अभेद किला बनाने का काम है, ऐसे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नलिन कोहली जी, मेरे मित्र और केंद्र में कोयला और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के दो महत्वपूर्ण विभाग जिनके जिम्मे है भारत सरकार के मंत्री भाई प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान गोविंद कारजोल जी, श्रीमान लक्ष्मण सावदी जी, श्रीमान जगदीश सेट्टार जी, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्बई जी, श्री शिव कुमार उदासी जी, श्री एम नागराज जी, श्री सीसी पाटिल जी, कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री श्री रामलू जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक गण, सांसद गण और आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऐतिहासिक मैदान पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हुबली धारवाड़ के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे हृदय के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज धारवाड़ की भूमि पर आकर बहुत आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। ये यही भूमि है जहां कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जानों की आहुति दी थी। यही भूमि है जहां इनके सेनापति संगोली रायन्ना ने भी लड़ाई को चालू रखकर अंग्रेजों के दांत खड़े किए थे और ये यही भूमि है जहां पर स्वर्गीय गंगूबाई अंगल, पंडित भीमसेन जोशी, जिन्होंने देश के कला क्षेत्र के अंदर हुबली का नाम, कर्नाटक का नाम विश्व प्रसिद्ध किया। यही भूमि है ज्ञानपीठ विजेता डॉक्टर बेंद्रे, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे भी यही भूमि से आगे आए हैं और हुबली में स्थित मूरसाविरा मठ के मठाधीश पूजनीय निरंजन जगतगुरु सिद्धा राजा योगेंद्र स्वामी को भी मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों आज मैं यहां पर आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक जन जागरण अभियान, जन जागृति अभियान शुरू किया है। क्या है जन जागृति अभियान? मित्रों नरेंद्र मोदी जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देश के कई सारे ऐसी समस्याएं जिनको 70 साल से कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था उसका समाधान लाने की शुरुआत की। अभी अभी
डोमेन के अंदर एक कानून पारित हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर वहां की सरकारों ने जिनको सुरक्षा नहीं दी, वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन शरणार्थी जो भारत के अंदर आए, उनको नागरिकता देने का ये बिल है। और ये बिल इसलिए लाना पड़ा मित्रों, देश का विभाजन हुआ और एक ऐतिहासिक सत्य में संसद में भी बोला था, आज भी बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लो, इस देश का विभाजन, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करने का काम अगर कोई एक पार्टी ने किया तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने किया है और इस देश के टुकड़े किए। इसके बाद दोनों जगह पे अल्पसंख्यक रह गए, हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान भाई रह गए, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन रह गए, पारसी रह गए। 1950 के अंदर राहुल गांधी, फिर से आपको कहता हूं सुन लो, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने एक लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि दोनों देश जो वहां से यहां आते हैं और यहां से वहां जाते हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनको नागरिकता देंगे, उनकी नौकरी देंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। मगर आज 70 साल के बाद स्थिति क्या हुई? भारत ने तो अपना वादा निभाया, हमारे यहां जो अल्पसंख्यक भाई है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन, बौद्ध, सिख है, हमने तो उनको अपने गले से लगाया, ना उनकी आबादी घटी, ना कभी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, ना उनके साथ अत्याचार किया गया। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ मित्रों? आजादी के पहले दोनों पाकिस्तान, पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, 30%। जरा जोर से बोलो कितने थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के पाकिस्तान में 30% से घटकर 3% रह गए, 3%। और बांग्लादेश के अंदर 30% से घटकर 7% रह गए। ये जो लोग हो अल्लाह करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये 30% से घटकर जो 3 और 7% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई हुए, कहां गए वो? कोई जवाब दे सकता है क्या? मैं देना चाहता हूं जवाब, आज हुबली की जनता को बताने आया हूं मित्रों, ये जो 30% से 3% हुए, या तो वो मार दिए गए, या तो उनका धर्म परिवर्तन किया गया, या तो उनको भगा दिया गया। वो अपने परिवार की महिलाएं और अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आए मित्रों। सैकड़ों किस्से, मां और बाप के सामने बेटी पर बलात्कार हुआ, भाइयों के सामने बहनों पर बलात्कार हुआ, पति के सामने पत्नी पर बलात्कार हुआ, हजारों हजारों की संख्या में सामूहिक बलात्कार हुए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च तोड़ दिए गए। अब जिस अफगानिस्तान में आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, उस पर तोप के गोले दागकर एक पुतले को तोड़ दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। और ये प्रताड़ित जो भाई थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, वो सारे शरण लेकर भारत के अंदर आए। आज हम सीएए लेकर आए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन कानून क्या है? ये नागरिकता संशोधन कानून है कि जो लोग
वहां से भागकर यहां आए हैं उनको नागरिकता देना, भारत की शरण में जो आए हैं उनको नागरिकता देना, उनको सम्मान देना। आज मैं हुबली और धारवाड़ की जनता से पूछने आया हूं, हजारों की संख्या में हो, 50,000 से ज्यादा लोग यहां बैठे, मुझे बताइए भाइयों, ये जो जुर्म के मारे यहां आए, अपने परिवार की मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता, राहुल गांधी के कान तक जाना चाहिए, जोर से बोलिए, नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी इनके मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये जेडीएस, ये सपा, ये बसपा, इनके पेट में क्या दुख रहा है बोला? जरा बताइए तो आपको दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं उनको क्या दिक्कत है, उनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। मगर मैं हुबली के इस मैदान पर बताना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि हम इनको नागरिकता देंगे, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, मौलाना आजाद ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, आचार्य कृपलानी ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, राहुल बाबा ये सारे के सारे कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने वादा किया था। 70 साल में 50 साल 55 साल आप शासन में रहे, मगर आपने वादा पूरा नहीं किया, वो वादा आज नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं। मित्रों, इनको नागरिकता देने जा रहे हैं। और इस सबको छोड़ दीजिए, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये कहा था, मैं उनकी बात को पढ़ना चाहता हूं। 26 सितंबर 1947 की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत में आने का अधिकार रखते हैं, अगर वो वहां रहना नहीं चाहते, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता तो उनको नागरिकता देना, नौकरी देना और उनके जीवन में उनको गौरव प्रदान करना भारत सरकार का कर्तव्य है। अब कोई मुझे जवाब देगा कि महात्मा गांधी की भी आप नहीं सुनते हो भाई, महात्मा गांधी की भी आप नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? मित्रों, और ये जो लोग आए, लाखों करोड़ों लोग आए, बंगाल के अंदर बसे मतुआ समाज और नाम शूद्र समाज के लोग हैं जो आए हैं, इसमें 70% दलित भाई बहन है, 70% से ज्यादा दलित भाई बहन है। ये जो विरोध कर रहे हैं सीएए के, उनको मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए दलित भाइयों का विरोध कर आप क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त करना चाहते हो? और सीएए का जो विरोध कर रहा है वो दलित विरोधी है, मित्रों दलित विरोधी है, ये आप जानकर रखो, जब चुनाव के मैदान में उतरोगे इस देश का दलित समाज बुद्ध के पुतले पर, भगवान बुद्ध के पुतले पर तोप के गोले चलाने वाले का हिसाब पूछेगा, आप किसका समर्थन करते हो? मित्रों, आज मैं इस मंच से ह्यूमन राइट के चैंपियंस को भी कहना चाहता हूं, क्या आपका ह्यूमन राइट कहां चला गया? जाकर देखिए शरणार्थियों के कैंप में 70 साल से नर्क का जीवन जी रहे हैं लोग, 70 साल से ना शुद्ध पीने का पानी है, ना मकान है, ना गटर की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना आरोग्य की व्यवस्था है, 70 साल 3 पीढ़ी आ गई, उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला, मत देने का अधिकार नहीं मिला।
और आप ह्यूमन राइट की बात करते हो, अगर ह्यूमन राइट की बात करनी है तो सारे विश्व के ह्यूमन राइट के चैंपियंस को मैं कहना चाहता हूं, इनकी बस्ती में जाकर उनके घर को उनके जीवन को देखिए, ये नरक का जीवन जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये लाखों करोड़ों भाई हमारे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको सम्मान का जीवन देने का काम करने जा रहे हैं, उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार इस देश में है वो नरेंद्र मोदी जी ने बिल के अंदर स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी दोगलेपन वाली पार्टी, अभी एक साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, उनके सारे नेताओं के बयान है आजादी के वक्त, आजादी के बाद के सारे शरणार्थियों को हम स्वीकार करेंगे, उनको नागरिकता देंगे, परंतु नागरिकता दी नहीं क्योंकि उनको वोट बैंक के डर लगता है। अभी एक साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुद्दा नंबर 34 है कि जो राजस्थान के अंदर हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, और वही अशोक गहलोत, वही राहुल गांधी आज इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी वोट बैंक चली जाएगी। राहुल बाबा, आप क्या मानते हो कि आप भ्रम फैला दोगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही बहते रहेंगे? मित्रों, इन्होंने सीएए पास होने के बाद देश भर में भ्रम फैलाने का काम किया है, देश के माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, मुसलमान भाइयों को डराने का काम किया है। वो कहते हैं इससे मुसलमानों की, यहां के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, मैं आपको इस मंच पर से चैलेंज देने आया हूं कि पूरा नागरिकता कानून को पढ़िए, अगर इसकी कोई भी क्लॉज के अंदर किसी की नागरिकता लेने की बात आपको दिखाई पड़ती है तो स्थान और समय तय करिए, हमारा प्रहलाद जोशी आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। मित्रों, ये झूठ फैला रहे, कर्नाटक और दक्षिण भारत के सारे मुसलमान भाइयों बहनों जो भारत के हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी नागरिकता इस देश में कोई छीन नहीं सकता, कोई छीनना भी नहीं चाहता, आपका इतना ही अधिकार इस देश पर है जितना हमारा है, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सीएए के अंदर एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो मुसलमान भाइयों की नागरिकता ले ले। सीएए में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने की शुरुआत करी, लोगों को रोड पर उतारने की शुरुआत करी, उनको गुमराह करकर देश में दंगे कराए। 4 दिन तक लोग सड़कों पे रहे, पुलिस और लोगों की भिड़ंत भी हुई, और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये राहुल बाबा एंड कंपनी और सपा बसपा कम्युनिस्ट केजरीवाल और ममता बनर्जी इसके जिम्मेदार है, उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मित्रों, मैं आज आप सबको कहने आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ सीएए के लिए नहीं, हर राष्ट्रवादी मुद्दे का विरोध करती है। अभी मोदी जी ने धारा 370 हटाई, हुबली वालों मुझे बताओ कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए, अंत तक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? 35 से हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं मोदी जी आपने धारा 370 हटाकर बड़ा अन्याय किया। राहुल बाबा, आपके परनाना जो गलती कर गए थे जवाहरलाल जी, वो गलती को नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है। और आज धारा 370 हट गई है और कश्मीर के अंदर अपना तिरंगा आसमान को छूता हुआ वहां पर फहरा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, सालों से इस देश का पूरा समाज, दुनिया भर में भी जितने हिंदू रहते थे,
सब चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मुझे बताओ हुबली वाले, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब भी कोर्ट में केस आता था, एक कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने का काम करती थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और परिणाम पांचों जजों ने कह दिया कि जिस जगह पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना था, वहीं पर आसमान को छूने वाला श्री राम का मंदिर बनेगा आसमान को। कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है, 370 का भी विरोध कर रही है। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, अगर पाकिस्तान के आतंकवादी देश में आकर हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को मारने का काम करते हैं, हमला करते हैं, जवानों के सर काट कर ले जाते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? जोर से बोलो, सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? 10 साल तक कांग्रेस में सोनिया मनमोहन की सरकार रही, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और देश के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह, उनके मुंह से उफ नहीं निकलती थी। नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में हमला किया, और उरी और पुलवामा के हमले के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही दिन में फैसला लिया और 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर बमबारी कर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम किया। मुझे बताओ हुबली वालों, मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? मित्रों, जब एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ये राहुल बाबा, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी सबूत मांगते हैं। और देखिए साहब, राहुल बाबा भी सबूत मांगते हैं और इमरान खान भी सबूत मांगते हैं। राहुल बाबा भी कहते 370 नहीं हटनी चाहिए, इमरान खान भी कहते 370 नहीं हटनी चाहिए। राहुल बाबा कहते सीए नहीं आना चाहिए, इमरान खान भी कहते सीए आना नहीं चाहिए। मेरी तो समझ में ही नहीं आता इमरान खान और एक कांग्रेस के नेताओं के बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है? ये दोनों की भाषा एक समान होती। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान यूएन के अंदर कोर्ट कर रहा है, भारत के खिलाफ कोर्ट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मित्रों, इतना ही नहीं, अभी 2 साल पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे निकले, नारे लगाए गए। क्या नारे लगाए गए? कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मित्रों, ऐसे नारे जो भारत माता के टुकड़े करने का लगाता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अब आप कहते हो जेल की सलाखों के पीछे डालो, और राहुल बाबा कहते हैं, वो कहते उनके वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। राहुल बाबा, हमें जितनी गाली बोलनी है बोल दो, हमारी पार्टी को जितनी गाली बोलनी है बोल दो, आपका वाणी स्वतंत्रता का अधिकार अबाधित रहेगा। मगर भारत माता के खिलाफ किसी ने भी नारे लगाए तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। मित्रों, हर बात में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के देश विरोधी स्टैंड लेने के लिए मशहूर है। मित्रों, आज मैं आप सभी को कहने आया कि जन जागरूकता अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ,
देश के घर घर में जाएगा, घर घर में जाएगा और सच्चाई बताएगा। हमने तय किया है 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों का हम संपर्क करने वाले, 250 से ज्यादा ऐसी सभाएं करने वाले, लाखों की संख्या में छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच्चाई देश की जनता को बताने वाले हैं। और मित्रों, आप सभी लोग आज सीएए के समर्थन में यहां आए हो, मुझे बताओ कितने लोग, इस और दिखाओगे, कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो, माताएं बहनें भी हाथ ऊपर करें, मोबाइल है, जरा मोबाइल निकालो अपना, सब लोग मोबाइल निकालो, इस और भी पेवेलियन में बैठ गए हैं वो भी मोबाइल निकाले, आप तो धूप में भी नहीं बैठे हो भैया, जल्दी निकालो, अब डायल मोड पर ले लो मोबाइल को, मोबाइल को डायल मोड पर ले लो, मैं एक नंबर बोलता हूं वो नंबर डायल करिए, आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ पहुंच जाएगा। अब डायल करेंगे नंबर, बोलूं मैं 2 बार बोलूंगा, ये नंबर डायल करना है और सबसे करवाना है, जरा नंबर बोलता हूं ध्यान से सुनिए, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए, हो गया, जरा हाथ ऊपर करिए, किसका हो गया भाई, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। मित्रों, ये नंबर डायल कर आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ पहुंचाइए। भारत के अंदर 2 पक्ष साफ पड़ गए, एक पक्ष चाहता है कि धारा 370 और 35 से हटकर कश्मीर भारत का हिस्सा बने, और कुछ लोग चाहते हैं कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक हटाकर मुसलमान बहनों और माताओं को समान अधिकार देना चाहिए, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश पर जो हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से, उनको नागरिकता मिले, सम्मान मिले, कुछ दल है कि वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कुछ लोग हैं कि नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश में जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, कुछ लोग हैं कि वो नहीं चाहते। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों गरीबों और किसानों के कल्याण के कार्यक्रम चले, हर घर में बिजली, हर एक को घर, हर एक को गैस, हर एक को शौचालय, हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, हर किसान को 6,000 रुपया सहायता, ये सारे कार्यक्रम मोदी जी ने लिए हैं, और मोदी जी ने देश की सुरक्षा का भी कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेरा आप सबसे, हुबली धारवाड़ की जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप भी देश के अंदर एक रचनात्मक, एक सकारात्मक माहौल ये जन जागृति अभियान में जोड़कर बनाइए। मुझे बताइए हुबली धारवाड़ वालों, आप लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है क्या? जोर से बोलिए, साथ है, सीए के साथ है, 370 हटाने का समर्थन करते हैं, राम मंदिर बनाने का समर्थन करते हैं, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं, ट्रिपल तलाक हटाने का समर्थन करते हैं, जो देश विरोधी है उनको जेल में डालने का समर्थन करते हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी के समर्थन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।
ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತದನಂತರ ಬಸವರಾಜ ಕುಂದಗೋಳ ಮಠ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು 19-20 ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ